एंड राम राम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू मिनी व्लॉग। आज छठा दिन है टिफिन वीडियोस का जो मैं बनाती हूँ आपके सामने आजकल। तो यहाँ पे मैंने लिया है आटे की लोई, जिससे मैं बनाने वाली हूँ आलू दे पराठे, क्योंकि ब्रेकफास्ट में हमारा वही बन रहा था तो मैंने सोचा अद्विक को भी यही भेज देती हूँ। पराठा बनाऊँगी लेकिन बिल्कुल पूरी साइज में बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे का पेट है, इतना बड़ा पराठा तो वो खाएगा नहीं। लेकिन हाँ, स्टफिंग में बहुत ज़्यादा करके देती हूँ, क्योंकि मैं उसको टिफिन में सॉस नहीं देती, तो जो अंदर का आलू है ना वो थोड़ा मुझे ज़्यादा देना होता है। मैंने सोचा था छोटा छोटा बना रही हूँ तो दो अद्विक खाएगा या दो मैं उसके लिए भेजूँगी, लेकिन जब बना दिया था मैंने, बनाते बनाते मुझे लगा कि नहीं, एक ही काफ़ी है बेटे के लिए। तो यहाँ पर बस सिंपल जैसे पराठे बनाते बना लिया। स्टफिंग में मैंने एकदम भी प्लेन सिंपल रखा है, क्योंकि टिफिन में ज़्यादा स्पाइसी तो चलेगा नहीं। अद्दू के पराठे बनाने के बाद मैंने उसमें धनिया वनिया ऐड करके मिर्चा विर्चा ऐड कर लिया था हमारे, एंड सिंपल सा घी लगा के बनाती हूँ। घी लगाने से थोड़ा सॉफ्ट रहता है कोई भी पराठा। तो यहाँ पे देखिए मेरा पराठा बनके एक रेडी है, दूसरा भी मैंने चढ़ा दिया है। मेरा तवा चेंज करने का टाइम आ गया है, मुझे कमेंट में भी आया था। एंड बहुत लोग बोले थे कि अद्विक को प्लास्टिक का टिफिन में नहीं देने के लिए, सही बोल रहे हैं, लूँगी मैं नया टिफिन उसके लिए। लेकिन ये प्लास्टिक भी अच्छे क्वालिटी का ही है, जिसमें टिफिन खाना वाना देने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी दुकान से ही लिया था। एंड उसको गर्म गर्म तो मैं कुछ देती नहीं हूँ, ठंडा ही देती हूँ, तो उससे उसको इतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। फिर भी आप सब बता रहे हो तो मैं ज़रूर लूँगी। यहाँ मैं आम कट कर रही हूँ। अद्विक ना पहले आम नहीं खाता था, लेकिन अभी हम लोग को देख देख के वो भी खाने लगा है। एंड ब्रेकफास्ट में मैंने अद्विक के लिए बनाया था यहाँ पे खिचड़ी। तो चलिए टिफिन अभी रेडी करते हैं, जो बनाया है वही डालूंगी। पराठा को मैंने चार भाग में कट कर लिया, तो सुंदर सा एक शेप निकल के आ गया है। अद्विक को बहुत मैटर करता है कि उसको मैं किस तरीके से खाना दे रही हूँ, मतलब प्रेजेंटेशन उसको बहुत मैटर करता है। मैंगो भी मैंने यहाँ पे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया, लेकिन अगर इसको मैं ऐसे तरीके से कट करती ना वो नहीं खाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्टफिंग कितना अच्छे से दिया है, ताकि अद्दू को खाने में प्रॉब्लम ना हो विदाउट एनी सॉस और हनी ऐसा कुछ करके। तो मैंगो के लिए मैंने यहाँ पे उसके लिए फॉर्क भी डाल दिया है। तो यही था मेरा आज का टिफिन। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलती हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे। टिल देन बाय बाय।